अस्सलाम स्टूडेंट्स, वीयू कानपुर में खुश आमदीद। आपका अपना चैनल और मैं हूं शकील तैयबी। आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो है कि आपका जो फाइनल टर्म है वो कब होना है। जैसे मैंने यहां पे स्क्रीन के ऊपर लगाया हुआ है, और हो सकता है कि आपको इसका तो अंदाज़ा हो गया होगा कि फाइनल किस डेट से स्टार्ट होने, लेकिन इसमें तब्दीलियाँ क्या होंगी इस बार पिछले एग्जाम की निस्बत से, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। और ये बातें ऐसी हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपके जहन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और ताकि आपको जो वीयू की ये पॉलिसी पिछली सेमेस्टर से चेंज हुई है, आप उसके मुताबिक ही आगे बढ़ें और उसका उसके मुताबिक ही तैयारी करें। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, क्योंकि मैंने देख रहा था कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते, और इसकी वजह से ये होता है कि जो अगली कोई इम्पोर्टेंट वीडियो आती है तो फिर आपको सर्च करना पड़ती है। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अगर आप उसको ज़रूरी समझें तो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल एक बात जो पिछली दफ़ा आपको बताई गई थी LMS के ज़रिए, आज के टॉपिक के मुताबिक वो अगर हम नोटिस बोर्ड देखें, या आप जैसे ही अपना डेट शीट पिछली दफ़ा प्रिंट करते थे तो आपको एक नोटिस नज़र आता था जिसमें यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग स्कीम है वो नज़र आती थी। अब ये यहाँ पे देख लें, ये मैंने पिछली दफ़ा जो वीडियो बनाई थी मिड टर्म से पहले, उसमें भी ये बताया गया था, और आप भी अब इस चीज़ों को समझ गए हैं क्योंकि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो अब इस जो हमारे सामने एक टॉपिक टेबल है उसको डिस्कस करते हैं। क्विज़ेस और जो असाइनमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपकी 10 से 20% की थी, और इसके अलावा जो मिड टर्म था वो 20 से 30, यानी कि ये अप डाउन हो सकता है, लेकिन टोटल जो बनना था ना वो आपका वो 40% था सेमेस्टर वर्क। और इसमें यूनिवर्सिटी ने ये कहा गया था कि आपको 40 में से कम 20% लाजमी लेना है। अगर आप लाजमी नहीं लेते तो फिर आप फाइनल टर्म पेपर नहीं दे सकते। तो अब एक और चीज़ आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जो असाइनमेंट और क्विज हैं वो जल्दी ख़त्म हो गए हैं। अदरवाइज़ ये ऐसे होता था कि जब तक आपके पेपर आ रहे होते थे डेट शीट भी बन चुकी होती थी, लेकिन फिर भी उसके बाद कोई ना कोई असाइनमेंट और क्विज आ चुका होता था जो पुराने स्टूडेंट हैं, और जो नए हैं उनको तो इस चीज़ का नहीं पता, तो वो उनके लिए तो जो भी चीज़ अभी बताई जा रही है वो सारी की सारी नई ही है। तो अगर आप टू डू कैलेंडर अपना चेक करें LMS के अंदर से, तो आपको शेड्यूल नज़र आएगा कि मोस्टली जो 10-12 तारीख के बाद से ना आपको कोई असाइनमेंट नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे देखें अभी सिर्फ 2 क्विज पेंडिंग है, 3rd और 4th। मैं एक LMS ओपन करके आपको हमेशा बताता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ें सिर्फ अजम्पशन ना लगें कि ऐसे ज़बानी बातें हैं। तो यहाँ पे देख लें कि 7 फरवरी और 8 फरवरी की डेट का है, हो सकता है कि एक आधे एक्टिविटी मज़ीद आ जाए, लेकिन इसकी वजह यह है कि आपकी जो जितनी भी असाइनमेंट क्विज है ना वो उससे पहले मार्क हो जानी है, फाइनल टर्म से पहले पहले, उसकी डेट शीट से पहले पहले। ये मेरा एक अंदाज़ा है, और उसकी वजह यह है कि अब यूनिवर्सिटी ने जैसा कि बताया गया था कि आपका 20% लेना लाजमी है, तो उसको वो कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे फाइनल डेट बनाने से पहले पहले। तो आप अब आपको पता है कि इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इंशाल्लाह अच्छे कर रहे हैं और अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो डेट शीट बनाने से पहले पहले आपकी सभी की सभी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ये मेरा एक पॉलिसी को देखते हुए अंदाज़ा मेरा हो रहा है, चल रहा है, इसलिए ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना जल्दी जल्दी हो रही हैं और जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही हैं। तो अब आ जाएं फाइनल डेट की तरफ। तो फाइनल डेट आपको उम्मीद जैसे कि आपको पता होता है कि आप जो एकेडमिक कैलेंडर है यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट सर्विस में जाके वीयू की साइट के ऊपर स्टूडेंट वाले टैब में, तो वहाँ पे आप देख सकते होते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने पूरे के पूरे एक साल का जो शेड्यूल है वो वहाँ पे लगाया होता है। अब यहाँ पे देख लें कि
जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम फॉल 2022 का है वो लिखा हुआ है मंडे 27 फेब, और आज हो चुकी है 5 फेब, और 5 फरवरी ही भी है, तो जैसे कईयों में आज़ादी कश्मीर मनाया जा रहा है उस हवाले से भी है। तो दुआ करें हमारे कश्मीरी भाइयों के लिए भी कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी नसीब फरमाए। तो जैसा मैं भी बता रहा था कि एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं वो 27 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर इसमें कोई डिले भी होता तो 3 से 4 दिन का होगा, जैसे कि पिछले जो मिड टर्म हुआ था उसके मुताबिक। आपको पता है कि ये भी 27 को लिखा हुआ था, लेकिन फिर ये क्या हुआ था कि एक दिन जो है ना ये 2 तारीख को जाकर स्टार्ट हुआ था, तो 4-5 दिन का इसमें फ़र्क हो सकता है। ये फेब 27 की बजाय मार्च 2-3 को भी जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो अब ये याद रखिएगा कि जो भी आपकी कोई एक्टिविटी अभी बाकी है उसको बेहतरीन तरीके से करें और अच्छे से अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें, ताकि आपको जो रोल बताया गया था यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट में, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, उसके मुताबिक आपके अच्छे नंबर बन जाएं और आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। तो बस यही बात इस वीडियो में बताने वाली है, और बाकी सिलेबस के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ जल्द ही, सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी, और उनमें फिर आपने पेपर का पैटर्न और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप उसी के मुताबिक तैयारी करें और अच्छे नंबर हासिल करें। तो लास्ट में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके पास पहुंचती रहें और आपको किसी न किसी तरीके से फ़ायदा उसका होता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।